गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम हिंदी सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 3 हम सब एक समान में आगे देखते हैं। अंगुष्ट कहता है, अच्छा चल आज यही तय हो जाए कि कौन बड़ा है। बोल मध्यमा, तेरा क्या कहना है? मध्यमा बोलती है, मेरा क्या कहना है, मुझे जैसा कुछ भगवान ने बनाया वैसी हूँ। मुझे लंबा बनाया गया इसलिए बड़ी हूँ, पर उसके लिए मैं कोई पुरस्कार नहीं चाहती। अनामिका बोल रही है, पुरस्कार चाहने से थोड़ी मिलता है, बड़े बड़े मंगल कार्य कर पड़ते हैं। क्या बोल रही है कि बड़े बड़े मंगल कार्य करना पड़ता है। मंगल घट पर स्वस्तिक का चिन्ह मैं बनाती हूँ, तब मुझे पुरस्कार में अंगूठी क्यों ना मिले। कनिष्ठा कहती है, अंगूठी तो मुझे भी मिली है। तर्जनी, अलंकार तो वे पहनते हैं जिसमें तेज हो, मुझमें तो इतना तेज नहीं है कि बड़े बड़े दुश्मन मुझे देख डर जाते हैं। अंगुष्ट, बस बस हो गई तुम सबकी यश गाथा, लेकिन देखो अपने मुंह की प्रशंसा अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अंगुष्ठ क्या कहता है कि अपने मुंह अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तब मध्यमा बोलता है, दादा लगता है आज आपको कोई काम नहीं है, इतनी देर तो आप कभी हमारे बीच नहीं रहे। तब जाके तर्जनी बोली, तो फिर क्या नहीं रहा, हम चारों में कौन बड़ा है। अंगुष्ठ बोला, मैं क्या बताऊं, तुम लोग स्वयं निर्णय करो। मध्यमा, नहीं दादा तुम ही तय करो, रोज रोज का झगड़ा दूर हो। अंगुष्ठ बोला, अच्छी बात है, मैं ही तय किए देता हूँ। मैंने तो यह सुन रखा है कि संसार में जो जितना झुकता है विनम्र होता है वह उतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कहा गया है कि संसार में जितना झुकता है, जो जितना विनम्र होता है वह उतना ही बड़ा होता है। तुम सब मेरे सामने झुको, तुम्हें देखकर मैं अपना निर्णय सुना दूंगा। सब झुकते हैं, सबके मस्तक बराबर रहते हैं। अंगुष्ठ बोला, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम समान हो, न कोई बड़ा न कोई छोटा। सब लड़कियां प्रसन्न होकर नाचती गाती है, हम सब एक समान, दादा हम सब एक समान। भिन्न भिन्न आकार भले हो, भिन्न हमारा काम भले हो, जब मिलते हैं तब होते हैं हम सब एक समान, दादा हम सब एक समान। जो भी नम्र जितना बनता है वह ऊपर उठना चाहता है, नया ज्ञान यह मिला कि दादा हम सब एक समान। उंगली अलग न कुछ कर पाती, मिल जाती थप्पड़ बन जाती, दादा का भी साथ मिला तो फिर मुक्का बलवान, दादा हम सब एक महान। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 हमारा ख़त्म होता है। होमवर्क में शब्दार्थ दिए गए लिखना है और मुहावरे का अर्थ। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न लिखो। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण ने किससे क्यों कहा। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्यों पर टिक या क्रॉस मार्क के चिन्ह लगाए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में उपर्युक्त विलोम शब्द लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन इज 12, उंगलियों से संबंधित कुछ मुहावरे लिखकर उनके अर्थ बताएं।